अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहजाद हुसैन साहब दुबई में पुलिस में सार्जेंट हैं, दुबई पुलिस में सार्जेंट हैं अभी, और ये वाक्य बता रहे हैं जी 1991 का, 30 साल पहले तकरीबन, बल्कि एग्जैक्ट 30 साल पहले का। और वाक्या है जी जीटी रोड के करीब गुजरांवाला के साथ गखर मंडी का। गुजरांवाला जीटी रोड से जब आप गखर मंडी गुजरांवाला कह रहे हैं, ईद के दिन थे हमारे घर में, माहौल था ईद वाला, बच्चे कज़न के बच्चे भांजे भांजियां बहनें सब जमा थे। अब क्या हुआ कि शाम को ना जब बच्चे घर आए तो एक की कमीज़ पे खून के छींटे लगे हुए थे, एक की कमीज़ पे ब्लड स्पॉट्स। भाई क्या हुआ, तो वो दो कज़न के बेटे, एक कज़न का बेटा और दो भांजे कह रहे हैं कज़न का बेटा ऊपर बैठा हुआ था कॉलेज के दरवाजे पे, और वो कॉलेज के दरवाजे को खोल बंद कर रहे थे, झूला नहीं झूलना होता कि दरवाजे पे चढ़ के एक बैठा हुआ है और एक जो है वहां से धक्का दे रहा है, वो अंदर जा रहा है, दूसरा अंदर से बाहर कर रहा है, तो ऐसे झूला झूल रहे थे दरख्तों के बीच में। तो वो कजन का बेटा गिरा नीचे और सर पे चोट लगी, तो खैर गए पट्टी वगैरह करवा दी। अब बता रहे हैं कि रात में उसकी अम्मी ने कहा कि उसको बहुत तेज बुखार हो गया, बच्चे को ना तप रहा है। तो इनके मरहूम वाले साहब, उन्होंने इनसे कहा कि आप जो है ना इनको ले जाए डॉक्टर के पास। कह रहे हैं हमारे करीब में क्लिनिक, मेरे दोस्त डॉक्टर जानने वाले, तो हम उनको ले गए। कह रहे हैं मैं, मेरी कज़न जो बच्चे की वालदा थी, वो उसकी बड़ी मेरी बहन, एक दो और तीन चार लेडीज और ये, उनको ले गए। तो डॉक्टर थे नहीं, उनको फ़ोन करके बुलाया तो 25 से 30 मिनट बाद डॉक्टर पहुंचे। उसको स्ट्रेचर पे लिटाया हुआ था बच्चे को, डॉक्टर आए उनको चेक किया बच्चे को, कहते हैं एक्सपायर हो गया, और उसके मुंह पे चादर डाल दी। अब ये सारे लेडीज का क्या हाल होगा। तब अगर रिजल्ट इतना खतरनाक होता तो पहले जब आप पट्टी कराने गए थे, तो अगर इतना डेंजर होता तो वो पट्टी करने वाला ऐसी पट्टी कर देता, बस सर हल्का सा हुआ होगा, पट्टी कर दी होगी, रात को बुखार चढ़ गया, डॉक्टर के पास ले गए, स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, आधे घंटे बाद डॉक्टर आए, चेक किया, बोले तो एक्सपायर हो गए, और उनके मुंह पर चादर डाल दी। अब सोचें क्या गुजरी होगी सब। बता रहे हैं पूरी मेरी कज़न औरतें तो सब रोना पीटना शुरू हो, कहराम समझ गया। अब इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कि मैं घर वालों को बुलाऊं यहाँ पे, या एम्बुलेंस मंगवाऊं, बच्चे को लेके जाऊं। तो एक डॉक्टर इनके ज़रा दोस्त भी थे, वो तसल्लियाँ भी दे रहे हैं इनको और मशवरा भी हो रहा है कि अब क्या करें, क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। इतने में वो बच्चा उठ के बैठ गया। क्या डॉक्टर बगैर डायग्नोस किए, बगैर चेक किए, एक बच्चे को जिसकी पूरी फैमिली मौजूद है, जिसकी सगी माँ मामू सब मौजूद हैं, क्या वो कभी, और जिसको जानते भी हैं, जो दोस्त भी है, क्या कभी बगैर डायग्नोस किए या बगैर चेक किए ऐसी बात कह सकता। वो उठ के बैठ गया। कौन ये? इमरान नाम, 8 से 10 साल उम्र थी इनकी उस वक्त। और शहजाद साहब जो हैं ये 91 में जी ऐसे थे, समझदार। अब जी वो बच्चा उठ के बैठ गया और इनसे कह रहा है क्यों रो रहे हैं आप सारे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इनको कि भाई इसका रूहानी इलाज करवाएं आप। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि यार इसका रूहानी इलाज करवा लो आप।
क्योंकि वो कैसे ऐसा हो सकता। खैर, अब जी ये लोग निकले उसको लेके गाड़ी में। इमरान नाम है इस बच्चे का। अब मामू, जो इनके मामू शहजाद साहब, वो बता रहे हैं कि यार ये मुझसे ऐसे बातें कर रहा है जैसे मेरा इसका याराना हो। जो मामू मामू से ऊपर कुछ कहता नहीं था, वो मुझसे इस अंदाज में बात कर रहा है जैसे कोई 50 साल का बंदा करता है। कहता कवालियां लगाओ गाड़ी में ये बच्चा, और याराना माहौल एक। खैर, घर आ गए, जैसे तैसे रात गुजरी। अगले दिन शाम को इनके सहन बड़ा सा, चारपाइयां डली होती पुराने, तो ये भाई जो हैं वो बैठे हुए चारपाई पे जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा होता है अंदाज में, और कोई नक्श बना रहे हैं हाथों से हवा में चारपाई पे, इधर उधर नक्श बना, और बाकी सारा खानदान जो है ना इनका, इनको ऐसे देख रहा कि कौन है ये। बच्चों वाली कोई बात ही नहीं ना। इतने में इनकी एक और कजन शहजाद साहब की, वो कोई 4-5 चारपाइयां दूर बैठी हुई थी, तो उनके दिल में डर आया, खौफ उनके नक्श से, उनके अंदाज से। वो दिल में कुछ पढ़ना शुरू हो गई। ये कहते हैं बहुत पढ़ना आता है तुझे, अब वो दिल में पढ़ रही हैं, ये बुजुर्ग बन के इशारे कर रहे हैं कुछ ऐसे, वो दिल में पढ़ रही हैं, और उसको देख के कहते हैं बहुत पढ़ना आता है तुझे, निकालूं तेरी पढ़ाई अभी मैं, अपने बच्चों की खैर चाहती है तो चली जाए यहां से। सर, उनका घर पड़ोस में ही था, उन्होंने कोई अगली बात ना की ना सुनी, वो उठी और चली गई। डॉक्टर ने कहा कि इनका रूहानी इलाज करवाएं आप, जैसे कोई ये छोटे हों वो बड़े हों, दोस्त नहीं होते जो कभी मामू मामू से अलावा कुछ कहते नहीं थे इतने, यहाँ तक कि इनके मरहूम वालिद साहब, उनसे भी बड़े बेतकल्लुफ और याराना अंदाज में, और सब खैरियत ठीक, कोई मसला ये वो, और वो नक्श बक्श बनाएं और अपनी अम्मा से कहें इमरान साहब ये बच्चे कि इस नक्श को तावीज़ बनाओ, चमड़े में बांधो, गले में डाल लो, और तुम अपनी वालदा को कह रहे हैं तुम जो अपने दामाद और बेटी के साथ कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही, अपनी वालदा को अपनी बहन और बहनोई के मुतालिक कह रहे हैं कि तुम जो अपनी दामाद और बेटी के लिए कर रही हो ना, वो ठीक नहीं कर रही, उनसे माफ़ी मांगो, और भी इतना कुछ जो इन्होंने कहा कि मैं तहरीर नहीं कर सकता। पर्सनल बातें पर्सनल ना। अब ये बुजुर्ग बने बैठे हैं, 8-10 साल के बच्चे और पूरा घर सब सामने। इतने में इनके एक बात पहुंची, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो इनके बड़े बुजुर्ग एक आए, उन्होंने कहा अलीपुर, अलीपुर में एक बुजुर्ग हैं, आप किसी तरह से ना इनको वहां ले जाए। ठीक है, ये सर निकले लेके। तो कहते हैं हम जब पहुंचे वहां तो बहुत बड़ी जगह थी, ओपन, उस बड़ी जगह में बीच में एक पीपल का दरख्त था बहुत बड़ा सा, और साथ कोई पक्के कमरे बने हुए थे। तो बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि जी आप इनको अंदर ले आए। ये अकड़ गए वहां पे, बिल्कुल अकड़ गए ना, मैंने नहीं जाना अंदर। तो वो बुजुर्ग आए और बड़े प्यारे अंदाज से ना, सॉफ्टनेस के साथ, शफकत से इंतहाई, कोई सख्ती वख्ती नहीं, बड़े प्यार से इनको बहला फुसला के ना कि जी हस्ती आई है बड़ी, आए जी कुर्बान सदके। वो ले गए इनको अंदर। अब ले गए अंदर और इनको बिठा दिया नीचे मट्टी। जैसी बिठाया ना, चाकू से इनकी चारों तरफ एक गोल दायरा बना दिया,
और वो चाकू जमीन में गाड़ दिया। Mm-hmm.